दोस्तों ये देखिए हमारा छोटा सा गार्डन है। आज हम आपको गार्डन के सैर कराएंगे। यहीं बाहर गार्डन ये है, चलिए आज हम आपको सैर कराते हैं और गार्डन में देखते हैं कि हम क्या क्या लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए हम गार्डन को देखते हैं, गार्डन में हमारे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सब्जियां हैं, क्या फूल है, कौन सा और क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा अमोला है जिसे यही अमोला बाद में धीरे धीरे आम का पेड़ बन जाता है। ये देखिए ऐसे अमोला छोटा छोटा था, उसके बाद ये बड़ा हो गया तो ये अब धीरे धीरे आम के पेड़ में बदल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इतने सारे पपीते के पेड़ है। पपीता का पेड़ अभी बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है। पपीता का पेड़ तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में बहुत जल्द ही इस पपीते में फल भी आ जाएंगे, फल और फूल भी आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में एक छोटा सा है एलोवेरा है। ये बालों में भी लगाया जाता है, चेहरे पर भी लगाया जाता है। इससे चेहरे में ग्लो आती है और बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं। और ये देखिए अरुई का भी पेड़ है, कुछ छोटे छोटे बहुत सारी थी, सब काट उठी है, यही थोड़ी सी है। इससे आप कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उस समय यह अरुई के पास कढ़ी बनाते समय यूज में लाया जाता है। कुरवर बनाया जाता है और कढ़ी बनाया जाता है, कुरवर में ही ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये दो तीन पेड़ ईख भी है। एक आपको चूने में चूसने में अच्छा लगता है या फिर नहीं अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और ये गोबर पड़ा हुआ है गाय का, यानी कि खाद बन जाएगा धीरे धीरे। और ये कूड़ा करकट है और यहाँ पर भी एक है थोड़ी बहुत, ये देखिए। और वहाँ कोने पर कूड़ा रखा गया है और एक लकड़ी भी रखी गई है। और यहाँ बगल में बहुत सारी तुलसी का पेड़ है, अभी बहुत सारे तुलसी का पेड़ काट दिए गए, यही दो चार तुलसी का पेड़ बचा हुआ है। तुलसी की पत्ती सुबह खाने से बहुत ही फायदा करता है, पेट के लिए भी, आपके शरीर के लिए भी तुलसी की पत्ती बहुत फायदा करती है। और ये देखिए दोस्तों, सब्जियाँ भिंडी लगी हुई है। भिंडी आपको खाने में अच्छा लगता है? हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए भिंडी इसमें फरी भी है, अभी इसे तोड़ना भी है, अभी तोड़ा जाएगा शाम तक। और इसमें देखिए बहुत सारी भिंडी लगी हुई है। अब धीरे धीरे भिंडी का सीजन खत्म हो रहा है। भिंडी की फूल ये है, ये देखिए कितना प्यारा फूल लगता है भिंडी में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम अपने गार्डन की सबसे प्यारी चीज दिखाने चल रहे हैं, ये फूल। और यहीं बगल में एक नीम का पेड़ है जो पिछली बार लगाया गया था, पिछली सप्तमी यानी कि चैत वाली सप्तमी को दिन लगाया गया था। अभी देखिए कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी, बहुत ही जल्द बढ़ती है। और ये देखिए ये फूल है, ये देखने में तो जैसे मिर्चे का पेड़ लगता है, लेकिन बहुत ही प्यारा फूल इसमें लगता है। इसे चमेली का फूल भी बोला जाता है। ये फूल जो कोई भी देखता है सभी लोग सोचते हैं कि ये मिर्चा है, लेकिन ये फूल है। और ये देखिए, ये हमारे बाहर मंदिर के पास समी का पेड़ लगाया गया है, इस पर जल छोड़ा जाता है। और यहाँ एक छोटा सा हौदा बनाया गया है, उसमें मिट्टी डाल करके केला लगाया गया और एक तुलसी का पेड़, यहाँ पर भी जल छोड़ा जाता है। बृहस्पतिवार के दिन इस केले के पेड़ की जड़ पर लोग बताते हैं और भगवान को माना जाता है कि इस जड़ में चने की दाल और गुड़ मुनक के भी जल छोड़ा जाता है, यानी कि जल वाले लोटे में ये सभी चीजें डाल करके फिर जल छोड़ा जाता है। और शनिवार के दिन शनि के पेड़ में जल छोड़ा जाता है। और उसके बाद चलिए दिखाते हैं, ये हमारा प्यारा सा शंकर भगवान का मंदिर है। मंदिर अभी पेंट वेंट हुआ था, लेकिन अभी इस पे काई, बारिश हो रही है तो काई तो पड़ेगी ही। और ये देखिए प्यारे से शंकर भगवान बैठे हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक नीम है, लेकिन हवा से ये लटक गई है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने बहुत सारे गेंदे का पेड़ लगाया है। गेंदा का पेड़ अभी, गेंदे में फूल अभी नहीं आएगा, अब थोड़े ही दिन में बहुत ही जल्द फूल आने लगेगा। और ये देखिए, ये है संजीवनी बूटी, इसे बोलते हैं। और इस फूल को दस बजवा फूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये 10 बजे खिल जाता है, उसके पहले नहीं खिलेगा, लेकिन 10 बजे तक खिल जाएगा।
जब धूप होता है तो यह खिल जाता है। इस फूल को दसबजवा फूल बोलते हैं, दिन दोपहर ये फूल बोलते हैं और सजीवनी बूटी भी फूल बोली जाती है। इस फूल को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा काट करके कहीं गोद दीजिए, यानी कि कहीं भी मिट्टी में खोंस दीजिए, तो ये फूल ऑटोमेटिक मतलब बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ये छैला करके बहुत ही बड़ा हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे यही गार्डन में एक नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू का फल बहुत ही कम लगता है लेकिन पेड़ है, और ये आम का पेड़ है। दोस्तों ये रहा हमारे गार्डन का सैर। गार्डन का सैर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट जरूर कर दिए कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।